मैं फर्स्ट पॉइंट से हूँ, पब्लिक डोमेन में आपको भी पता है दिस नेम्स कैन नॉट कम, सीक्रेसी की बात है। उस समय आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे कोविड टेस्टेड लोगों के नाम, ये आप भी जानते हैं, सो इट कैन नॉट कम इन पब्लिक डोमेन। उस समय अगर आपको पता होगा कोविड पेशेंट्स को बोलूँ कि वो जांच करेंगे, क्योंकि जो टीम पूरी है, जो सिस्टम पूरा है, और अभी जैसे हम लोगों ने डीएम्स को इन्वॉल्व करके पूरा जांच कराया है 26 जिलों में। कमिंग टू योर थर्ड पॉइंट, जो आपने कहा रेशियो के बारे में, ये मैंने शुरू में भी एक्सप्लेन किया, एंड आई एम गिविंग यू द फिगर मनीष जी, कि जो चैलेंजेस बिहार के समक्ष हैं वो हैं हमारे आरटीपीसीआर के जो टेस्टिंग फैसिलिटीज़ है, आज अथक प्रयास के बाद हम 20,000 पर पहुँचे हैं। इतने बड़े स्टेट को, अनलाइक तमिलनाडु एंड यूपी वेयर आरटीपीसीआर की क्षमता पहले से ही बहुत अच्छी थी, तो इतने बड़े स्टेट को क्या सिर्फ आरटीपीसीआर के हवाले करते? बाढ़ के समय जो नाव से लोग आ रहे थे उनको आप कैसे जांच करते? कंटेनमेंट जोन में लोगों को आप कैसे जांच करते? तो स्वाभाविक था कि बिहार के कंटेक्स्ट में, इलेक्शंस के कंटेक्स्ट में, दशहरा के कंटेक्स्ट में, छठ के कंटेक्स्ट में, स्वाभाविक था कि आप एंटीजन का इस्तेमाल करते। द फिगर्स एज ऑन टुडे, इफ आई हैव टू टेल यू, इज ट्रू नेट 7,18,903, ये कल तक का मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ आपको। आरटीपीसीआर 31,37,887 और एंटीजन 1.79 करोड़, दिस इज द टोटल टेस्ट 2,17,021। ये जो टोटल हम लोगों ने किया है 2,17,90,410। काइंडली इसको नोट कर लिया जाए, 2,17,90,410 कल तक का टेस्ट है, जिसमें ट्रू नेट है 7,18,903, आरटीपीसीआर 31,37,887 और एंटीजन है 1,79,33,620। एक सवाल, वो जो बातें बरहट और सिकंदरा में जांच में आती है, उसमें हम लोगों ने पाया कि जो जांच में निकल रहा है कि अधिकांश जगह बरहट और सिकंदरा में वो नंबर तो गलत था ही, वो व्यक्ति भी नहीं मिले। ये बहुत गंभीर बात प्रकाश में आई, तो उसके लिए बरहट और सिकंदरा के संबंधित जो हमारे लैब टेक्नीशियन ANM जो जाते हैं जांच करने, उनके ऊपर होते हैं ब्लॉक हेल्थ मैनेजर जो इंचार्ज होते हैं, उनके ऊपर होते हैं मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, जिसको प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी कहते हैं, उसके ऊपर होते हैं हमारे सिविल सर्जन, और आज हम लोगों ने जमुई के जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी पर भी कार्रवाई कर दी है। इन पर तो कल इन लोगों पे कार्रवाई हो गई है, और आज जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी जमुई पर भी हम लोगों ने विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की है। जहाँ तक सिकंदरा का सवाल है, शेखपुरा, ये सेम चीज बरहट और सिकंदरा में जो हम लोगों ने पाया, तो इतनी कार्रवाई वहां हुई। शेखपुरा में रिपोर्ट में ये बात आई कि एक महिला का नाम था और एक व्यक्ति का नाम था, और ये लिखा हुआ था कि पेपर में दिखाया गया है जांच, लेकिन जब हम लोगों ने फोन किया तो वो किसी उत्तर प्रदेश के व्यक्ति ने फोन उठाया, और उन्होंने कहा कि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, और सार ये लगा कि ये रिपोर्ट भी गड़बड़ है, जाली है। उस लड़की का नाम सोनाली कुमार है, न्यूज़पेपर में जो समाचार निकला था, और ये अजीत कुमार जिनका नाम है उनकी बेटी है। उनका मोबाइल नंबर 7004233841 रजिस्टर्ड है,
मुझे नहीं पता है कि वो नंबर जिस पर किसी ने बात किया वो कहाँ से आया। ये डॉक्यूमेंट में और जिला पदाधिकारी शेखपुरा ने उनसे बात की अजीत कुमार जी से। वैसी कोई अनियमितता शेखपुरा में अब तक जांच चल रहा है परिलक्षित नहीं है। जो जिला पदाधिकारी लोगों के द्वारा जो हम लोगों ने जांच अब तक कराया है और जो रिपोर्ट मेरे पास है, जैसा कि मैंने आपको बताया 2 से 4 प्रखंड रैंडम जांच चल रहा है और ये अभी आगे भी चलेगा, उसमें ओवरऑल जो पिक्चर इमर्ज कर रहा है उसमें 3 बातें स्पष्ट हैं। एक कि बाय एंड लार्ज व्यक्ति मिल रहे हैं लेकिन मोबाइल नंबर बहुत जगह पे हम लोगों ने देखा है कि नंबर किसी और का है। नंबर में कई जगह 000 करके, चूंकि 10 डिजिट आपको लिखना है वो लिखा हुआ है। तो जैसा मैंने कहा, हम लोगों ने इसीलिए फिजिकल जांच के लिए कहा था कि आप गांव जाएं, पता लगाएं। अररिया जिले के फारबिसगंज में और अररिया में ये जांच में ये बात आई है कि व्यक्ति तो मिल गए लेकिन संख्या इस तरह के मोबाइल नंबर की थोड़ी ज्यादा है, जहां 000 लिखा हुआ है, कई जगह एएनएम का नंबर लिखा हुआ है 20, कई जगह लैब टेक्नीशियन का नंबर लिखा हुआ है जो होना नहीं चाहिए था। तो आज अररिया और फारबिसगंज के जो प्रभारी पदाधिकारी हैं, अनुमंडलीय पदाधिकारी हैं अस्पताल के, और सिविल सर्जन से स्पष्टीकरण पूछा गया एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति हैं इसलिए जांच हुआ है, लेकिन नंबर क्यों इस तरह से है उसके लिए उनसे स्पष्टीकरण पूछा गया है। और शिवहर जिले में एक प्रखंड है पुरनैया, वहां पर भी 30-40 लोगों का इस तरह का मामला प्रकाश में मिला है जांच में। इसके अलावा अभी तक बाय एंड लार्ज जो फिजिकल टेस्ट हैं वो क्लियर हैं। अगर 100 लोगों का जांच हुआ है रैंडम तो 3-4 लोगों का मोबाइल नंबर स्विच्ड ऑफ मिलता है, 3-4 लोगों का नंबर है अगर वो फादर हैं तो उन्हीं के नाम से परिवार के लोगों का है, 6 लोगों का, 7 लोगों का है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कंटिन्यूअस हम लोग रैंडम वेरिफिकेशन कर रहे हैं परसों से, और अब तक ओवरऑल जो बरहट और सिकंदरा में स्थिति मिली है वैसी स्थिति कहीं भी पूरे बिहार में नहीं मिली है। सेकंड, पुरनैया में जो मैंने बताया 40-50 नाम इस प्रकार के, और अररिया और फारबिसगंज में वहाँ व्यक्ति मिल गए हैं, बरहट और सिकंदरा में वो व्यक्ति भी नहीं थे, इसलिए वहाँ पर हम लोगों ने इतनी सख्ती से कार्रवाई की है। मैं आप सभी लोगों के माध्यम से एक चीज़ और कह देता हूँ कि अगर आने वाले दिनों में जांच में अगर ये, जैसा मैंने बताया अभी ये सब चल रहा है, और इस तरह के कहीं कोई मामले आएंगे तो जिस तरह से हम लोगों ने कार्रवाई की है जमुई में, पूरी सख्ती से कार्रवाई हम लोग करेंगे। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।